Yes. Not by voting,
बट बाय सेइंग ही करेगा, नॉट बाय सेइंग आई विल नॉट कम, नहीं, वो सिर्फ वो दो शब्द है आई विल नॉट कम, बट बाय सेइंग थम्सा, बाय बिलीविंग इन, दिल के अंदर विश्वास रखो। अगर यहां में आपका विश्वास खत्म हो गया, जितना भी आपको कोई कुछ भी बोले कुछ नहीं मिलेगा। इलेक्शन खत्म होने, हमारा जमीन का इशू है उसको उठाएंगे, हमारा एबीसी में पुलिस का इशू है उसको उठाएंगे, हमारा नौकरी का इशू है उसको उठाएंगे, हमारा लैंग्वेज का इशू है उसको उठाएंगे, हमारा यूनिवर्सिटी का इशू है, स्कूल का इशू उसको उठाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, और जो जो चीज सबने प्रोमिस किया है, आज कुमारी को एमपी भेजकर दिल्ली में प्रेशर कुमारी रखेगा, एडीसी में प्रेशर हमशो धीरेन रखेगा, और त्रिपुरा में प्रेशर मैं रखूंगा। और हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान ने सब चीज दिया, वीर विक्रम जैसा दादा दिया, नियुमा दिया, मां दिया, घर दिया, इतना प्यारा पहन दिया, भगवान ने सब कुछ दिया है हमको, लेकिन जिंदगी में आपको एक चीज खुद कमाना पड़ता है, वो मां बाप आपको नहीं दे सकते, वो है अच्छा नाम। और अच्छा नाम आप तभी कमा सकते हो जब आप अपने लोगों को प्यार कर सकते। एक गरीब आदमी को अगर जिंदगी से एक इंसान को भी अगर आप उठा सके ना, ऊपर में आपके लिए हेवन हो, जन्नत हो, स्वर्ग हो, आपके लिए जगह मिलता है। कोई घुमा लो आप लोग तब तक चुप बैठे, उठाओ अपने आप को, मैंने प्लानिंग किया है अपना विभिन्न लोगों के लिए पूरे घुमा, और मैं आपको बोलना चाहता हूं 75 साल तक सिर्फ जर्मन होकर राज किया है, हम चाहता है कि इस बार आप लोगों को मैं 50% जानता हूँ, जिसको समझना है समझ लो, लेकिन आपको मैं जान देना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि हम लोगों का सोसाइटी में होना, हम लोगों का सोसाइटी में प्रॉब्लम है। अभी मैं यहाँ में अपना एक सेटअप करूँगा, आओ यहाँ लो 500 रुपये, नहीं पूरा 500 रुपये लो, वो 500 रुपये में थोड़ा सा वॉक खरीदेगा, थोड़ा सा चौक खरीदेगा, थोड़ा सा टिकट खरीदेगा, ठीक हो सकता है, और 100 रुपये बचेगा वो जाकर अपना बच्चा को भी देगा, अपना वीडियो को। हम वही 500 रुपये अगर गुरुई को दिया, घुमा को दिया, वो सबसे पहले अपना बच्चा के लिए खाना खरीदेगा, अपना पति के लिए कुछ, अपना ससुर के लिए या माँ के लिए कुछ दवाई भी ठीक दे देगा, और तो अपने लिए सोच। अब राजनीति में यहाँ में इतने बड़े बड़े लीडर्स, एक अच्छा नेता वही होता है जो सबसे पहले सबको खाना देता है और लास्ट में खुद खाता है। अ गुड लीडर इज समवन हु गिव्स एवरीवन फूड एंड ईट्स लास्ट, वही अच्छा नेता, वही मेकर। और मैंने देखा है कि हम लोग का घुमा हुए आप लोग पहले सबको देता है, उसके बाद अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप लोगों को मैं नेता बना दूँ, लीडर बना दूँ, हम लोग सोसाइटी में सब परिवार में सब लोग सब लोग का बनेंगे, तो सब पूरे घुमा देंगे, ठीक हो गया। तो आप लोग अब सिर्फ लिपस्टिक लगाकर डिनाई नहीं करते हैं, आप लोग के पास भी पावर आना चाहिए, और जो जमीन जो लैंड राइट वापस करूंगा ना, 50% गुरु के नाम में, 50% हस्बैंड के नाम में या भाई बहन के नाम में, 50-50 करके आधा आपका आधा पूरा घर में भी आपका अधिकार होना चाहिए, वो 50% में सोसाइटी को उठाना है ना, तोहफा को उठाना है ना, तो ऐसा सोचना पड़ेगा। सिर्फ वोट का राजनीति करेगा कुछ नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के पास
अधिकार होना चाहिए। आज त्रिपुरा में होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा लंबा ले रहा हूँ लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ में नेशनल हाईवे हो रहा है, एसके पारा आपका मुंडिया धामी सब पूरा। अगर आपने ये मोबाइल फोन खरीदा लिया कि चश्मा खरीदा आपको कागज मिलेगा, रिसीप्ट बिल मिलेगा कि ये चश्मा का मालिक आप हैं। आप एक स्कूटर खरीदो आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा कि ये स्कूटर का मालिक आप हैं। एक मोबाइल फोन खरीदो आपको कागज मिलेगा कि मोबाइल का मालिक आप। त्रिपुरा में हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम क्या है, ये हम ये जमीन में 100 साल से हम लोग कह रहे हैं, 200 साल से रह रहे हैं, 300 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी भी पट्टा नहीं। तो कल अगर कोई किसी कुछ कर रहा है तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। अगर रास्ता को चौड़ा करना है, हाईवे बन रहा है, हम लोग घर को तोड़ के जाए, हम लोग घर को तोड़ रहे हैं, रुपये दो प्रमाण दो कि आप घर के आपका पास पट्टा नहीं, आपके पास कोई प्रमाण नहीं। तो आज हम लोग हानि घुसा सन सॉरी हानि घुसा हम लोग की भूमि नहीं होगी। सबसे पहले आपको वोट बैठ के हमको लेना पड़ेगा। जब तक आपके पास अपना घर नहीं, घर में कागज नहीं कि वो घर का मालिक आप है, कोई भी टैंपो भी आपको हटा सकता है। और वो घर में 50% माँ के नाम में, 50% बाप के नाम में डिवाइड करके रखूंगा, ये आपको अधिकार देना पड़ेगा। बहुत हो गया बोले तो भाषण बहुत हो गया, राजनीति बहुत हो गया, राजनीति करना है, राजनीति करना है, नेतागिरी कम करना है और काम करना है। और यहाँ में जो हमारे एमएलए एमपीसी आप सबको बोल रहे हैं, महाराजा का नकल कम करो, वैसा वैसा देखना कम करो, अपना गांव में आपका लोगों के साथ बैठकर खाओ बैठो और बात करो, क्योंकि ये बुबाका बनने में भी मुझे टाइम लगा। आपको नेता लीडर पब्लिक में बनाए, पब्लिक से अगर आप बड़ा हो गया ना, वही पब्लिक आपको वापस उससे भी निकलता है। मैंने नोटिस किया है कि कुछ कुछ सीरियस लोग का एटीट्यूड ठीक नहीं है, उसको भी मैं इलेक्शन के बाद ठीक करूंगा, करना पड़ेगा। और जो लोग सबके जोर से ताली मार रहा है ना, वो लोग ही उल्टा काम कर, महाराज को सब मालूम है, अभी मैं चुप हूं। इलेक्शन के बाद महाराजा आपको थोड़ा सा सबक तो सिखाएगा, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन सबसे आता है, गरीब से आता है, सबसे आता है, मेरे पास खबर है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे कौन ब्रांड का पैकेट खा रहा है, कौन स्वाद पी रहा है, कौन मालूम। जिंदगी में अगर अच्छा इंसान बनना है सबसे पहले डिसिप्लिन का। मलेरिया देखता है वो त्रिपुरा को लगा, देवगढ़ को लगा, जमतिया को लगा, रंगों को लगा, नहीं,
बीमारी बीमारी होता है, गरीबी गरीबी होता है, जब नौकरी नहीं मिलता है तो सबको नहीं मिलता है, हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट किसी को नहीं मिलता है, गरीब गरीब होता है। और यहां में हमारा जो घूमर हम लोग होगा दूरी बदल वो बाधा आपके साथ बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा क्लास दे रहे हैं।
सबसे पहले हम लोग लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रार्थी मेरा बहन, लेकिन हम लोग क्यों अपना बहन को एमपी का सीट के लिए नहीं भेजे? आज से एक महीने पहले हताई बतौर में हम लोगों का कांग्रेस चैक हुआ, एक साल से पीछे डॉक्यूमेंट का बात कर रहा है, कुछ होगा कि नहीं, हम लोगों का डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन से रिश्ते का डिमांड पूरा होगा कि नहीं, असेंबली इलेक्शन में रिजल्ट आया, दीपरा मामला बहुत अच्छा है, लेकिन दो तीन सीट के लिए हम लोगों का किसी को दर्जा नहीं है। मैं भू घंटाल अपना टीका छाटा अधिकार के लिए उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक बार समझ में आया कि प्रद्योग विक्रम मानिक्य अपना फाइट नहीं कर रहा है, प्रद्योग विक्रम मानिक्य अपना गरीब की प्रासाद की प्रजा के लिए फाइट कर रहा है। अगर प्रद्योग विक्रम मानिक्य को कुछ हो जाएगा तो ये गलत बात होगा। चलो बात करते हैं, आपको दिल्ली बुलाया, सब थे जगदीश बाबू था, अमित शाह ने जो देश का होम मिनिस्टर था उसने हम सबको बोला, आपके सामने टीवी में बोला कि त्रिपुरा में हमारे तिकरा साहब के साथ अन्याय हुआ है, देश का होम मिनिस्टर की अन्याय हुआ है और जो अन्याय हुआ है उसको सुधारने के लिए आज एक अग्रीमेंट कर रहे हैं। और देश का होम मिनिस्टर बोलता है कि अगर आपने एक कदम लिया है तो हम लोग दो कदम लेंगे और त्रिपुरा साहब का भविष्य को, आपका बच्चे का भविष्य को। जब देश का होम मिनिस्टर भी कहता है तो हमको उनको भी समझाना है कि आपको अपना वादा पूरा नहीं करना है। अब एमपी का इलेक्शन और मैं चाहता था कि मुबादला का जो सिद्धांत है पीला जाति कुलों पार्टी, पार्टी मतलब नहीं है जाति, तो अपना बहन को दिल्ली भेजकर ये अग्रीमेंट जो साइन हुआ है कि दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, दिल्ली में हम लोगों का अग्रीमेंट कोई रुके नहीं, इसलिए अपना बहन को मैं दिल्ली मैंने बात करके दिल्ली में भेजने का बात। कोई लोग बोलते हैं बहुत आगे से बोल रही क्यों नहीं, कोई कहता है कि बीजेपी की सिंबल रही क्यों, मैं कहता हूँ कोयला जाति कुलों पार्टी। आज जो लोग सवाल उठाते हैं कि मौसा का क्या होगा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस का क्या होगा, हमारी सरकार का शासन हो, हमारे लोगों को गरीब रखा गया, जो आईएमपी में था रतीश, आप आईएमपी से खड़ा होकर आपका बेटे को नौकरी नहीं मिला रतीश, यहाँ में बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिला, क्यों? क्योंकि आप में वो आईएमपी हो गया सीक्रेट तो नहीं। आज आईएमपी कांग्रेस एक साथ फाइट कर रहा था और सीक्रेट अलग फाइट, आज वही लोग अंडरस्टैंड मुबागरा ने क्या बोला था, हम कोई भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगा जब तक राइटिंग में नहीं मिलता, तो असेंबली में हमने नहीं किया। इस बार हमको राइटिंग में पार्टी ने नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइटिंग में दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन से इश्यू हमारा तीसरा साधा करेंगे। उसके बाद आज क्या लाइन से सीपीएम और कांग्रेस, आज
डीसी रामपाल क्या बोलेगा, जो कांग्रेस से जीता है, जो बीजेपी से जीता है, वो क्या बोलेगा? सीकर को बोल दो, मैंने बोला था मेरा दुश्मन कोई नहीं है, मेरा दोस्त वो है जो मेरा तोहफा के साथ, पार्टी के साथ नहीं, मेरे तोहफा के साथ। ये फर्क आपको समझना है। आज पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल में ममता बनर्जी नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में आज के दिन कांग्रेस नहीं दिख रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा है, गुजरात में नहीं दिख रहा है, राजस्थान में नहीं दिख रहा है, हिमाचल में नहीं दिख रहा है, उड़ीसा में नहीं दिख रहा है, आंध्र प्रदेश में नहीं दिख रहा है। तो अगर कांग्रेस सेंटर में नहीं आएगा तो हम लोगों का विकास क्या है? हमको तो अपना बच्चे के बारे में सोचना है, हमको तो अपना अधिकार के बारे में सोचना है। थोड़े दिन पहले हमको फोन आया, बहुत बड़ा जिक्र कि आप बीजेपी का भी इश्यू भी फैक्ट कर सकते। तो मैंने बोला कि मैं तो सीपीएम का भी फैक्ट कर रहा हूं, तो बोला हाँ लेकिन बीजेपी का भी फैक्ट ठीक है। तो हमने बोला कि राहुल गांधी क्या केरला में सीपीएम का भी फैक्ट नहीं कर रहा है? जब वो करे तो ठीक, हम लोग करें तो गलत। सोचो ये बात, सोचो आप लोग, केरला में राहुल गांधी सीपीएम का संग फाइट कर रहा है और त्रिपुरा में हम लोग सीपीएम को वोट नहीं देगा। यही यही चीज हुआ है हमारा क्षेत्र के साथ। हमेशा दिल्ली में पावर में आना है तो त्रिपुरा में बलिदान करो। 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, ध्यान है, क्षमा में मैं जयनगर त्रिपुरा के लिए मैंने कहती हूं, 2008 का इलेक्शन, क्षमा चरण त्रिपुरा, आपको याद है क्षमा चरण त्रिपुरा? हाँ, आईएनपीटी मैं कैंपेन किया क्षमा चरण त्रिपुरा के लिए 2008 में, क्षमा में डीसी रामपुर के लिए मैं कैंपेन किया 2013 में, लेकिन हम लोग कभी नहीं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में सीपीएम और कांग्रेस का अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है। तो त्रिपुरा को सीपीएम का हाथ में देकर त्रिपुरा को बलिदान करो ये। और आज खुल्लू खुल्ला सामने है, आज माननीय सरकार ने क्या किया है हमको? एक टाइम माननीय सरकार के टाइम में हर त्रिपुरा साहब जो पंक्ति होता है, आज स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रोमन स्क्रिप्ट। 10 साल तक कांग्रेस पावर में था, यहां में 25 साल तक सीपीएम पावर में था। अगर आपको करना था क्यों नहीं किया? मंच में चेयरमैन की एबीसी जगदीश वर्मा, एमएलए पॉल अंशु, सीनियर एमडीसी अंशु कुमार त्रिपुरा, एमडीसी धीरेन्द्र वर्मा, अपना वेरी सीनियर लीडर रतीश त्रिपुरा, रंजन सिन्हा जी टीसीएफ कन्वीनर, एक्सएलए धनंजय त्रिपुरा, मुरई गौतम है यहाँ में वाइटीएफ है, मिस्टर दानव है, नदम्मो
और यहाँ पे पूरे गौरव है, लोग ऑब्जर्वर अभिजीत है, बहुत बहुत सामने में जितेन है, हॉलीवुड आपको मंच पर रहना चाहिए कि हमें क्या करना है, ये मंच पर रहना चाहिए, नहीं नहीं चाकमा की कैसा सब लोग एक मंच पर रहना चाहिए। थैंक यू कुल प्रोग्राम प्रतीश बाबू, ललन बाबू, सबको, रंजन, अभिजीत, मैं, मेरा बहन है यहाँ में, मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा है, साइज में भी बड़ा है, लेकिन दिल्ली पर ठीक है। और मुबादला अभी नहीं बन रहा है, लेकिन मुबादला के थ्रू मेरा बहन जा रहा है, और जो मुबादला आज अपना हुकुम बारा नानू को हो रहा है वही बात मेरा बहन दिल्ली में करेगा, और जो हम लोगों का अफॉर्ड साइन हुआ उसमें हम लोगों को हेल्प करेगा वहाँ में क्वेश्चन। तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, सिंपल इम्पोर्टेंट नहीं है, जाति इम्पोर्टेंट है, धर्मा इम्पोर्टेंट है, बहन को वोट कीजिए और रिकॉर्ड मार्जिन से यू ऑल से चल रही है बस। नमस्कार नमस्कार, इतना बढ़िया मेरा भाई बोलता है, इसके सामने तो मैं जीरू और मुझे कभी मालूम नहीं था कि मुझे ये इतना नौटंकी करा के रो के सब मुझे ये दिखा के मेरा दिल पिघला दिया। अभी हम लोगों को बोला आई लव यू ऑल बोला ना, एंड आप लोग ने क्या बोला, यू लव हिम, पर ये किसी ने नहीं बोला कि आई लव हिम ही लव यू, यू लव मी, राइट? जब तो हार्ट बन जाता है, एंड आई प्रॉमिस यू, जब मैंने सोचा है मेरे बारे में और यहाँ पे टाइगर को खड़ा कर दिया है, तो ये अब जरूर याद ये करना कि हम तो लड़के लेने वाले आदमी, और मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सेकंड सपोर्ट माय हस्बैंड सपोर्ट से मैं यहाँ हूँ, माय ब्रदर सपोर्ट, एंड लाइक ही सेड वी मस्ट स्टे यूनाइटेड, इफ वी स्टे यूनाइटेड वी कैन फाइट। आपने अर्जुन का कहानी सुना, जब अर्जुन को बोला कि सब लोग को बोला प्रभु जी ने कि वो चिड़िया का वहाँ लगाया क्या दिखता है, तो किसी ने बोला उनको पत्ता दिखता है, किसी ने बोला उनको फल दिखता है, जब अर्जुन का टाइम आया बोला तुमको क्या देखता है, तो उसने बोला मुझे वो लक्ष्य दिखता है और उसने उनका हाथ में पांचों रुपये लगाया, तो मेरा भी लक्ष्य ये है वहाँ से पैसा लाना, यहाँ पे आप लोगों को डेवलपमेंट करके देना, पर holding your fingers and telling you get up and fight. I want each one of you to be a fighter. Each woman has to be a warrior like we were. We are warriors and our hearts should also be like honor. So fear no one,
your presence and my brother's support. Thank you so much. हम बाय. तो एक चीज करना चाहिए, ठीक है? फॉल यहाँ ना. ये आपको तो सबको ट्राई करना है. हाथ ऐसा करो. एक उंगली पे, एक उंगली. ये करो. सबको बाहर निकालो. दो उंगली. तीन. चार. आज मैंने आप सबके लिए अपना एमएलए, अपना ब्लॉक प्रेसिडेंट, यूथ को, बोरे को बोला था आप सबको खाना देने के लिए. मैं भी ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद नहीं जाऊंगा. मैं भी ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपके चरण को सुनाकर जब राजा आपके साथ खुद खाया था, राजा आगे सब कुछ खाएगा तो जो बाहर में ऊपर भी देखना बोलेगा ये थोड़ा सा कम्युनिटी में पावर बाहर गए हैं. तो मैं आपके साथ यहाँ पे बैठे कुछ खाऊंगा. एंड मिस्टर डालो इसके बाद जब भी पार्टी का प्रोग्राम हो हॉल में दबा हम शो सब लोग हॉली यहाँ पे जो है जगदीश बाबू अगर 500-600 लोगों का प्रोग्राम होगा हॉल में तो हमेशा उसके बाद भांग चाकू कुछ भी हो लापरवाही हम लोग को सब खाना चाहिए. हम भी खाएं. क्यों? क्योंकि जब परिवार एक होता है द फैमिली विच ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर. जो परिवार एक साथ खाता है एक साथ रहता है. कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट नहीं. हम लोग सब पहले टीका है जला जलाइए. हम सब लोग खड़ा होंगे.